বেহাদ কি পরম শান্তি। परम शांति। जब मनुष्य गुस्से में आ जाता है तो नम्रता और विवेक भी भूल जाता है। ऐसे ऐसा बोल जाता है कि जैसे आत्मा में बहुत बड़ा रिकॉर्ड पड़ा हो, पुरानी बातें, इतनी पुरानी बातें बोल जाएगा, पूरे जन्म की कहानी सबको सुना देगा। मतलब एक दूसरे को सुना देगा, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। तो कहने का मतलब है, गुस्सा बहुत बड़ा नुकसान कराता है, बहुत बड़ा नुकसान कराता है। तो भक्ति मार्ग में जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो मंदिर में जाते हैं, अपने अपने इष्ट देव के सामने बैठकर कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, गुस्सा हो गया, अब तुम ही ठंडा करो, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। चारों ओर आत्माएँ परेशान होती हैं भक्ति मार्ग में, भगवान के मूर्ति के सामने जाके खड़ा करते बोलती है, अपने अपने इष्ट देव को कहते हैं कि मुझे गुस्सा न दिलाओ, गुस्सा न दिलाओ, गुस्सा न दिलाओ। तो अब ज्ञान मार्ग में तो जानते ही हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचे विकार, ये तो भक्ति मार्ग वाले हमेशा कहते हैं, विषय विकार मिटाओ देव, पाप हरो देव, तो हमेशा कहते हैं। विषय विकार मिटाना इतना आसान चीज नहीं है। विषय विकार विकार मिटाने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। जब तक अपने आप को मिटाना मना, अपने इच्छाओं को त्याग देना, अपनी इच्छाओं को केवल विश्व कल्याण के लिए जी रहे हो, केवल विश्व कल्याण ही अपना लक्ष्य है, जगत कल्याण अपना लक्ष्य है, यही लक्ष्य आ जाए और केवल अपना लक्ष्य के प्राप्ति के लिए ही जी रहे हो, महाविश्व परिवर्तन का लक्ष्य जिनकी बुद्धि में आ जाए, तो धीरे धीरे मन शांत होता है, मन वैरागी होता है। ज्ञान आने से मन वैरागी होता है। जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता वो गुस्से में आता है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता वो गुस्से में आता है, अपने मन के हिसाब से जो नहीं प्राप्ति होती तो भी गुस्सा आता है, देह और देह के संबंधों के अगले कर्मों के कारण भी कहीं ना कहीं कर्म बंधन आता है तो भी गुस्सा आता है। अब गुस्सा में परमात्मा ऊपर बैठे क्या करेगा, ऊपर वाला तो देवताओं के द्वारा भी काम कराता है ना, ऊपर वाला भी जैसे निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो डायरेक्ट तो कोई कोई धरती पर आकर किसी को ये नहीं कहेगा ले तेरे को रेज मार के शांति, क्योंकि तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम्हारा उससे कनेक्शन नहीं है। तुम जिस इष्ट देव को जानते हो, जिससे कनेक्शन है, उसको तुम कहोगे। अब उस इष्ट देव में तो इतनी शक्तियाँ है, मगर तुम्हारा त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, बुद्धि माया में भटकती रहती। जब दुखी हो तो तब भगवान के घर जाते हो, भगवान को ये कहते हो कि मेरा इतना बड़ा, अब कहते हैं कि इतना 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिला दें तो मैं तेरे को ये कर दूंगा, 10% तेरे को दे दूंगा, 10% आज पर भक्ति मार्ग में 10% की बातें चल रही हैं। भगवान के मंदिर में जाके सब मन्नत, करोड़ों लोग मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये हो जाए, ये हो जाए तो मैं 10% दे दूंगा, भगवान के मंदिरों में जाके मानते हैं, हो जाए तो बाद में, पहले नहीं, एडवांस, इन एडवांस में नहीं, बाद में। कई लोग तो देते भी नहीं हैं 10%, कुछ भी 1% भी नहीं थे, भूल जाते हैं। फिर रात में वो इष्ट देव आके याद दिलाता है, भाई तूने वो मन्नत मानी थी तो मैं तेरी मन्नत पूरी कर। इष्ट देव को भी रात को सपने में आके याद दिलाते हैं कि भाई तेरी मन्नत मानी थी पूरी कर। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। गुस्सा कहाँ से आता है, इसका कारण यह है कि अपनी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकारों से गुस्सा आता है। गुस्सा पूरा खत्म करने के लिए निर्विकारी जीवन चाहिए, पवित्र मन चाहिए। पहले मन को परमात्मा की ओर बिजी रखो, मन को हमेशा परमात्मा में बिजी रखो, परमात्मा की याद में रहो, कर्मयोगी जीवन बिताओ। मैं केवल विश्व कल्याण के लिए जी रहा हूँ, मैं केवल अपने लिए जी नहीं रहा हूँ, केवल हर कर्म, समय, संपर्क, स्वास्थ्य भी परमात्मा की याद में जियो, और हमेशा लक्ष्य याद रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आने का एक ही कारण होता है कि अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, चाहे विषय विकार की भी हो। जब विषय विकार भी पूरे नहीं होते तो आत्मा बहुत गुस्से में आ जाती है।
इसलिए तो हमेशा भक्ति मार्ग वाले विकारों को गिरने का कारण भक्ति मार्ग वाले भी बिताते हैं। भक्ति मार्ग वाले भी जानते हैं कि माया है, माया है, भक्ति मार्ग वाले भी जानते हैं, मगर माया जीत नहीं बनते। ज्ञान आता है, वैराग आता है कि जाना कहाँ है, ऊंचते ऊंच परम धाम जाने का लक्ष्य हो, विश्व परिवर्तन का लक्ष्य हो, तो सारे विकार काम क्रोध लोभ मोह का सब खत्म हो जाते हैं। अपने लिए जीने के लिए सारे विकार आते हैं, जो अपने लिए जीता है उसमें सारे विकार आता है, उसमें काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, कर आता है। जो जगत कल्याण के लिए जीता है, सारे सृष्टि के परिवर्तन के लिए जीता है, सबको सुख देने के लिए जीता है, उसमें कभी भी विकार नहीं आते, वो धीरे धीरे शांत होता है, एक साथ में नहीं शांत होता। जितना तुम माया में फंसोगे इतना विकारी होंगे, जितना माया में जीकर केवल माया जीत बनोगे, ज्ञान समझ में आ जाएगा ये सब माया है, हमें माया जीत बनना है, तो धीरे 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 विकार शांत हो जाएंगे, पांचवे विकार शांत हो जाएंगे, परम शांति।